तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पांश मथुरा। आप देख रहे हैं PM10 व्लॉग्स और आज की इस वीडियो में मैं कुछ क्लिप डालने वाला हूं। तो हाथ का हिला रहा है, बोला ना बोल। हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या कि हम 22 तारीख को गए थे कहाँ, रामनगर मंडला। वहां पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का समापन था। वहां पर CM हमारे स्टेट के CM माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आए थे। तो चलो वहां का माहौल देखते हैं। और वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है इसके लिए सॉरी, और यहां पर निहाल डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे इसके लिए भी सॉरी। चलो बाय। बहुत लंबा पार्किंग है। देखो अपन बस में आते तो हो गया था अपन का, पैदल तो चल रहे हैं। ये आठवां नंबर का पार्किंग, बस वाले तो उधर ही लगाएंगे यार, खुला मैदान में। अब यही पैदल आते, यही तो घाटा हो जाता। 100-200 बचाने के चक्कर में कर रहे हैं। भगत कोटी रास्ता तो है यहाँ पर, बट सामने से बंद कर दिए हैं। महल के चारों तरफ का दीवार है यहाँ पर। सॉरी गाइस, आज महल बंद है तो हम बाहर से ही दिखा रहे हैं आप लोग को। अंकल ये क्या है? ये कोया। कोया कोया? अच्छा। अरे ये कोसा कीड़ा है ये? कुछ इस तरीके से भीड़ है। कोसा कीड़ा है, इससे ही क्या बनता है? ये वाला बनाते हैं ना, ये बनाते हैं। इससे क्या बनता है फिर? इससे जो है धागा बनता है। इससे धागा बनता है, रेशम धागा। धागा से वो कपड़े बने जी। वो रखिए वो वाला। कृषि विज्ञान मंत्री वन विभाग श्री विशाखालाल सिंह, मंत्री खाद्य नागरिक जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग श्रीमती संपत्या देवी के सांसद राज्य स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 620 ये हमारे को जनजाति भाई है। ये क्या है? चिरौंजी। चिरौंजी प्रकृति से प्रेम है, प्रकृति के आराध्य है। यहाँ नहीं मिलता है, जहाँ एक और प्रकृति से सोना उगाकर सोने की छिड़ी जनजाति भाई लोगों ने चार का बीज है। जो रेट वो देगा मैं दूंगा, जो आपकी इच्छा जो है थोड़ी थोड़ी जाना। हम लोग वहाँ से लेके जाते हैं। इनकी संस्कृति की पहचान है, आज आवश्यकता इनकी संस्कृति को समृद्ध करना और जीवित रखना है। बात को हमारे जनजाति भाई बहन कहीं पर पीछे नहीं रहे। पेट भरने का इन्होंने कार्य किया है, वहीं पर देश के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर विभिन्न क्रांतिकारी दलों का उन्होंने नेतृत्व भी किया। सब अपनी अपनी व्यवस्था बना रहे हैं यहाँ पर, कुर्सी निकाले और चलते बनो। तो देखो ये यहाँ विकास का कार्य नहीं हो रहा था, और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए इसलिए।
रिटेनिंग वॉल व सीढ़ी निर्माण सहित अनेक विकास कार्य, साथ ही साथ दो छात्रावास घुटास नारायणगंज विकासखंड में और एक स्वास्थ्य आवास। तो ये गर्म पानी का कुंड है और यहाँ से गर्म पानी निकल रहा है बहुत ज्यादा ही, तो आप लोग देखो यहाँ से।